सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने किया मंत्री बंगले का घेराव। कर्मचारियों ने कहा मांग नहीं मानी तो बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। नमस्कार, मैं शेर सिंह कुश्तवार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मचारी चार सूत्री भागों को लेकर गुरुवार को सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी के बंगले का घेराव करने पहुंचे। वहीं रैली लेकर पहुंचे कर्मचारी ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांगें पूरी करने का अनुरोध किया है। तीन दिन में मांगें अगर पूरी नहीं करने पर कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। महासंघ के अध्यक्ष बीएस चौहान का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। सरकार अपने कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर हमारी पार्टी बनी नहीं बनेगा राजन पार्टी, अगर हम अपना अधिकार मानते नहीं, किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मानते, सरकार कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। विक्रेताओं पर बेवजह कार्रवाई रोकी। कई बार हम सहकारिता मंत्री माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर चुके, आवेदन कर चुके, लेकिन सरकार के द्वारा हमारे पैक्स कर्मचारियों को आज कर न तो वेतन मान दिया गया। चुनाव से पहले कहा गया था, समझौता हुआ था कि सभी को वेतन मान दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने सरकार बनने के बाद कर्मचारियों को अन्याय किया है। 60% जो प्रदेश में भर्ती हो रही है, पैक कर्मचारियों को पदोन्नत होनी है, उनको सपनों का घर बना रहे हैं। एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट को पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।